भाजपा कह रही है कि 4.5 साल तक अशोक गहलोत, सचिन पायलट आपस में मनमुटाव रखते रहे, दूरियां बनाए रखी, खेमेबाजी चलती रही। खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया जी, अशोक गहलोत जी, माननीय सचिन पायलट जी, ये सब जो है एक मिशन पे है। और मिशन क्या है? कांग्रेस बचेगी तो देश बचेगा, कांग्रेस बचेगी तो प्रजातंत्र बचेगा। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किसके चेहरे पर विधानसभा चुनाव होंगे? सचिन पायलट, अशोक गहलोत या किसके चेहरे? कांग्रेस ने कभी भी इस तरह का कोई आतंक वो नहीं बनाया है कि कौन क्या करेगा। कांग्रेस चुनाव लड़ती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में। उस नेतृत्व में एक सभी का समावेशी है विचार है, इसमें सभी हैं, पायलट साहब भी हैं, गहलोत साहब भी हैं और बाकी सारे जो हमारे राजस्थान के जो बड़े जो कद्दावर नेता हैं वो सारे नेता हैं। ताका कहना था कि जितने विकास कहीं नहीं हुए इस कार्यकाल में डोटासा जी ने किए हैं और वो मुख्यमंत्री के दावेदार लगते हैं हमें, ये इस बारे में मेरा कुछ नहीं कहना है। ये फैसला जो है वो हाईकमान करती है और जनता का अपना विचार है। राजेंद्र गोड़ा, उन्होंने लाल डायरी को लेकर विधानसभा में हंगामा किया था, लाल डायरी को लेकर कहा था कि अगर इसके राज बाहर आ गए, महेश जोशी, शांति धारीवाल, अशोक गहलोत की काली चिट्ठे बाहर आ जाएंगे। इंडिविजुअल एक एक जो विधायक है बीजेपी का, उनके सबके हाथ में एक लाल डायरी है और एक लाल डायरी गुड्डा जी के हाथ में है। इतनी लाल डायरियां तो मैंने कभी देखी नहीं। ये सोची समझी जी उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। लाल डायरी राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लाल डायरी के मुद्दे की बात कर रहे हो, आपको मणिपुर में बात करनी चाहिए। देश जानना चाहता है अडानी के इसमें जो पैसे लग रहे हैं, एक पैसे किसके हैं? एक लाल डायरी जिसको गुड्डा जी ने दिखा दिया, प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं लाल डायरी। अरे भाई, कौन सी लाल डायरी? आप वरिष्ठ नेता है और काफी सालों से राजनीति कर रहे हैं, क्या आप विधायक का चुनाव लड़ोगे? पार्टी अवसर देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ मनीष गौड़। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र पारिक है जो कि सीकर से विधायक है और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे राजस्थान की सियासत पर इनकी क्या राय है। सर्वप्रथम सर, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। भाई नमस्कार, आपको बहुत बहुत। जल्दी ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है, क्या माहौल है? क्योंकि यहाँ पर देखिए सीकर में तो जिस प्रकार से राजस्थान का ट्रेंड है, एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, उसी प्रकार कई सालों से ट्रेंड है, एक बार कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ की जनता स्वीकार करती है, एक बार भाजपा की उम्मीदवार को, क्या मानना है आपका? ये परसेप्शन एक्चुअली मीडिया ने बना दिया कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। यहाँ लगातार जो है भाजपा 1990 में जीती, फिर 1993 में जीती, भाजपा जीती यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, एक परसेप्शन बना दिया गया कि एक बार भाजपा जीतती, एक बार कांग्रेस जीतती है। एक वक्त था जब पब्लिक की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, नई युवा पीढ़ी जो है उसके जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनको कि भाई सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार के क्या क्या काम होने चाहिए, एजुकेशन से मसलन क्या होने चाहिए, पावर सेज क्या होने चाहिए, रोड्स क्या होने चाहिए, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। तो लोगों की अपेक्षाओं पर जब कभी भी जो है किसी तरह की परेशानी होती है तो रिएक्शनरी जो है उनका ये होता है, वो सत्ता बदल देते हैं। अब की बार क्या लगता है कि ये बार जो है वो राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत साहब ने खास तौर से, इस मिथ को बदलने की जो नींव रखी है। मैं स्वयं भी इस बात से आश्वस्त हूँ, काफ़ी लंबे टाइम से राजनीति को देख रहा हूँ, मैं स्वयं इस बात से पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि इस बार जो है परसेप्शन बदलेगा। आंकड़ों की बात करें तो 1980 के बाद से सीकर में कांग्रेस ने 5 बार जीत दर्ज की है और भाजपा ने 4 बार, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे है। इंडिविजुअल सीट के बारे में आप कुछ आकलन करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पब्लिक का मूड जो वर्तमान में जो मैं देखता हूँ, न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण अंचल में भी, माननीय गहलोत साहब ने जिस तरह से जो पब्लिक के साथ कनेक्ट किया है और ख़ास तौर से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जिस तरह की योजनाएँ दी है, मतलब सबसे बड़ी स्कीम है हिंदुस्तान की, सबसे बड़ी स्कीम या शायद वर्ल्ड की मैं कहूँ, चिरंजीवी योजना। आज एक आम आदमी अपना इलाज जो है बड़े तसली से करा सकता है, उसको कोई किसी तरह की चिंता नहीं है कि उसके पास पैसों का अभाव है और अपना इलाज नहीं कराएगा। जबकि मैंने स्वयं ने ये देखा है कि इलाज के लिए अपने परिवारजनों के इलाज के लिए लोगों को अपने गहने बेचने पड़े हैं, घर बेचने पड़े हैं, कर्ज देना पड़ा है, फिर भी इलाज पूरा नहीं हो पाया। तो जब 25 लाख रुपये तक का इलाज माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने फ्री कर दिया, उससे पहले उन्होंने फ्री मेडिसिन दी, फिर 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज किया, इसके बाद भी उनको ये लगा कहीं ना कहीं कि एक यदि फैमिली 5 व्यक्तियों की एक फैमिली है और उसमें एक आदमी बीमार हो जाए, बुजुर्ग, और उसमें एक में 10 लाख रुपए खर्च हो गए तो फिर बाकी का क्या होगा, तो उसका दायरा बढ़ेगा। उन्होंने 25 लाख रुपए तक के कर दिए। भाजपा की बात करें सर, तो भाजपा में अंदरूनी खबरें आ रही है कि
जिस दिन पर्यटन यात्रा निकाल रही है भाजपा, उससे एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी यात्रा निकाल रही है, धार्मिक यात्रा, तो कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दे रहा है कि मनमुटाव है और जो आपसी मनमुटाव है वो चल रहा है। तो क्या मानना है आपका? उनका अपना अंदरूनी मामला है, उनके बीच में क्या मनमुटाव है, क्या वो करेंगी नहीं करेंगी, ये उनका अपना सोच है। मैं इस विचारधारा का आदमी हूँ कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं हमको उस पर फोकस करना चाहिए। मैं इस उम्मीद में बैठा रहूँ कि सामने वाला जो है वो कोई इनको कमजोरी दिखाएगा इसलिए मैं चुनाव जीत जाऊँगा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, और आज के दिन मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी तरह से इसे फोकस किया है कि वो बेस्ट परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। आज एक परिवार असुरक्षा के माहौल में जी रहा है, और ख़ासतौर से कोरोना के बाद में तो उसकी परिस्थितियाँ काफ़ी बदली है। कोरोना में लोगों को बेरोजगारी बढ़ी है, कई कई फैमिलीज में जो है वो काफ़ी बड़ा रेंट हुआ है, माता पिता की डेथ हो गई है, माँ की डेथ हो गई, पिता बच गए, पिता की डेथ हो गई, माँ बच गई, तीन बच्चे बच गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पालनहार योजना के माध्यम से 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के आयु का जो बच्चा है उसको 1500 रुपये महीना, उनकी जो वृद्ध माँ है या उनकी जो दादी है या उनके पिता है उनको 1000 रुपये पेंशन, उससे जो माइनर है उनको 1000 रुपया, इस तरह से 6-7 हज़ार रुपया एक फैमिली को मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से सामाजिक सुरक्षा के रूप में जो दिए जा रहे हैं। उनके स्कूलिंग की व्यवस्था है, बाकी उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके जो फूड सिक्योरिटी के लिए यहाँ से उनको जो अपने फूड के जो पैकेट जो दिए जा रहे हैं, ये सारी सुविधाएं उनको एक तरह का संबल देती है। भाजपा आरोप लगा रही है कि चुनाव जब आ रहे हैं नज़दीक तब ये लोक लुभावनाएं अशोक गहलोत लॉन्च कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इसको कतई नहीं मानता, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं कि जो घोषणाएं 2022-23 में हुई, 2021-22 में हुई, 2023-24 में जो योजनाएं हुई, मसलन कुछ सड़कों की बात मैं करूँ, कुछ PSCs की बात करूँ, कुछ CSCs की बात करूँ, वो सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही है। आज उन पे वर्क ऑर्डर दे दिया, लोगों के काम हो रहे हैं, सड़कों के काम हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के काम हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक को जिस तरह से गारंटी दी है, 10 गारंटी इस बात की दी है कि आपको ये अधिकार है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला उज्ज्वला करके पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से रिवॉल्यूशन लाने की बात कही, कि रिवॉल्यूशन ला दिया, अब ग्रामीण महिलाएं हो या शहरी महिलाएं हो, लकड़ी में उनकी आंखें जो है खराब नहीं होगी। सर बड़ा अच्छा लगा, 2 महीने पहले मेरी बात तो सुनिए आप। जी सर बहुत अच्छा लगा लोगों को, हमें भी लगा कि चलो महिलाओं के लिए जो है एक सुरक्षित वातावरण दे दिया उन्होंने, आंखें खराब नहीं होगी। हुआ क्या, जो सिलेंडर 450 रुपये मिलता था वो 1150 मिलने लग गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसी सिलेंडर को जो उज्ज्वला का जो कनेक्शन है उसको 500 रुपये में दिया, 500 रुपये में दिया, तो आज वो घर का सिलेंडर भी भरवा रही है, उसको अन्नपूर्णा का पैकेट भी दे रहे हैं, उसको पेंशन का पैसा भी दे रहे हैं, उसके बच्चे यदि कोई पालनहार योजना में शामिल है तो पालनहार योजना में भी वो शामिल है, उसको जो है उसके घर के कनेक्शन के लिए बिजली का 2 महीने का बिजली का बिल भी दे रहे हैं, यदि काश्तकार है तो 4000 यूनिट उसके बिजली का बिल जो है वो भी माफ़ हो रहा है, उसको एक सुरक्षित वातावरण दिया है। मतलब एक वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है धरती पे उतार दिया। सर अभी महिलाएं जो मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, आज वो मोबाइल पे जो है महसूस कर रही हैं। जब मैंने देखा कि लाभान्वितों की जब वो आई कि साहब गैस सिलेंडर जो है वो उनका पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, मोबाइल का पैसा उनको ट्रांसफ़र हो रहा है, उनके पेंशन के पैसे उनको ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उनके चेहरे पे जो खुशी का जो भाव था वो रियल सेंस में ये अनुभूत करा रहा था कि वो आज माननीय मुख्यमंत्री जो है उनकी सरकार से, उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे पूरी तरह से जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सर भाजपा कह रही है कि 4.5 साल तक अशोक गहलोत, सचिन पायलट आपस में मनमुटाव रखते रहे, दूरियां बनाए रखी, खेमेबाजी चलती रही, आपस के विधायकों की बयानबाजी होती रही, एक दूसरे पर आरोप लगाए, तो अब जाके वो शांति कायम है, लेकिन वो कुछ देर की शांति है, ये उनका सोचना है। राहुल जी के और सोनिया जी के इस पूरे गवर्नेंस में खड़गे साहब ने जिस दिन से जो है संभाला है, कांग्रेस की बागडोर संभाली है, खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया जी,
अशोक गहलोत जी, माननीय सचिन पायलट जी, ये सब जो है एक मिशन पे है। और मिशन क्या है? मिशन जो है वो कांग्रेस बचेगी तो देश बचेगा, कांग्रेस बचेगी तो प्रजातंत्र बचेगा, कांग्रेस बचेगी तो इस देश का जो हमारा जो ताना बाना जो है सामाजिक गंगा जमनी तहजीब का, ये बचेगा। इसलिए किसी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। सर, राजस्थान में अब की बार आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आ रही है, दोनों ने कहा है कि हम 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा निश्चित रूप से सब आ रहे हैं। जनता अपने आप इस बात का फैसला करती है कि उनके हित में क्या है। वेलफेयर स्टेट का जो एक मॉडल जो है वो कौन दे रहा है, और चुनाव की बात करके हम उसको टाल नहीं सकते। जब हमने गारंटी कार्ड दिए तो गारंटी कार्ड के बाद में अप्रैल में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और लोगों को जो लाभान्वित जो थे 56 लाख महिलाओं को एक साथ जब उनका पैसा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना का पैसा जब 500 रुपये के हिसाब से जब उनके खातों में ट्रांसफ़र किया, तब उनको कहीं से वापस इत्मीनान करने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई ये चुनावी घोषणा है। उन्होंने इस बात को वहीं महसूस किया कि नहीं, ये चुनावी घोषणा नहीं है, ये गहलोत साहब के दिल से निकली हुई आवाज़ है और ये आज पूरी हो रही है। ये एक तरह से परसेप्शन की बात है, और मैं बुरा नहीं माने इस बात को। मीडिया भी जो है उनका स्टेक होल्डर हो रहा है, उनका वो बराबर की भागीदारी निभा रहा है। चुनावी है, चुनावी है, चुनावी है, चुनाव में तो बाकी जो भारत सरकार यदि करे तो चुनावी नहीं, और किसी स्टेट की कांग्रेस सरकार करे तो चुनावी है। चुनावी कैसे है? 2023 की मैं आज आपको ले जाके फील्ड में दिखा सकता हूँ। 2023 में जो घोषणा की थी वो आज इम्प्लीमेंट हो रही है। 2023 में घोषणा की थी कि आपको जो है 2000 करके 2 महीने में आपको 4000 यूनिट के किसान को बिजली की फ्री देंगे, आज वो बिजली फ्री दे रहे हैं। उनको घोषणा की कि आपको 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, आज उनको सिलेंडर दे रहे हैं। सर, केवल घोषणा नहीं की, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। लेकिन सर, जब चुनाव होने वाले थे तो राहुल गांधी यहाँ पे आए थे राजस्थान प्रचार करने, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि राजस्थान में हमारी सरकार बनती है तो किसानों की कर्ज माफ़ी कर देंगे पूर्ण रूप से, वो अभी तक सर नहीं हुए। आपने कैसे मान लिया? आप किसान हैं क्या? आपको पता है किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ? भाजपा आरोप लगा रही है। भाजपा के आरोप की हम बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा के पास उस आरोप का एक एजेंडा है, वो सिर्फ आरोप लगा सकती है। आपका कहना है सर, अमित शाह जी बड़े जोश के साथ पूछ रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो तुम अपना हिसाब दो, भाई आप कौन होते हो हिसाब मांगने वाले? हमारा जो सोशल ऑडिट होता है उसका हिसाब मांगने का फैसला जनता करती है। अमित शाह जी आप अपना हिसाब दीजिए, 9 वर्षों में आपने क्या किया, जनता आपसे हिसाब नहीं मांगेगी। सर, राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस को, लीक का मुक्का, मैं निश्चित रूप से इस बात से मैं स्वयं भी आहत हूँ। युवा पीढ़ी के सपनों को एक तरह से हम जो है ठेस पहुँचाते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए शायद हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं उठाए। जिस तरह के वातावरण बनते हैं, जिस तरह का जो, क्योंकि आज जिस तरह का जो ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ रहा है, उस ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए जिस तरह से तत्परता से कानून बनाना, कानून को इम्प्लीमेंट करना, ये इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं हम उस दंश से हम भी पीड़ित हैं। जितना वो नौजवान पीड़ित है उससे कहीं ज़्यादा मैं स्वयं और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं पीड़ित हैं। सरकार का हर आदमी इस बात से पीड़ित है, हर परिवार पीड़ित है, क्योंकि उनके सपनों को हम ठेस पहुँचा रहे हैं उनके रोकने के लिए। ये सृष्टि कोई 1 साल या 5 साल की थोड़ी ना भाई, ये चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी, आने वाला वक्त भी जारी रहेगा, तब चुनाव भी होंगे, तब पेपर भी लीक होंगे। लेकिन उस दिन जब पेपर होगा तो पेपर लीक करने वाला आदमी 10 दफ़ा सोचेगा कि तुम्हारे लिए ये कठोर जो कानून बना है तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। उसकी संपत्तियां कुड़ खो रही है, उसको अंदर जेल में अंदर डाल रहे हैं, उसको 20-20 साल की सज़ा हो रही है। तो ये बात साबित नहीं कर रही है कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं पीड़ित हैं इस बात से। सर, केंद्र सरकार एक बिल लाने की तैयारी कर रही है कि एक देश एक चुनाव, उसमें विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे, आपकी क्या राय है उस पर? ये उनकी बौखलाहट है। जब हमारा देश आज़ाद के बाद में जब ये सिस्टम शुरू हुआ तो 67 तक तो दोनों चुनाव एक साथ ही होते थे, मैंने स्वयं भी दोनों चुनाव एक साथ देखे हैं। लेकिन फिर परिस्थितियाँ बदलती है, कई बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं, कई बार कई तरह की परिस्थितियाँ बदलती है, कई बार आपस में जो है कोई ऐसी स्थितियाँ बन जाती है कि सरकार अपने आप जो है गिर जाती है, तब फिर जो है वो चुनाव कैंसिल होते हैं, फिर उसके बाद में चुनाव होते हैं। तो ये एक तरह से जो है उनकी बौखलाहट है।
जिस दिन से इंडिया पूरी देश की वो सारी जो प्रजातंत्र में जो विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं, जो लोकतंत्र की वैल्यूज समझती हैं, जो इस देश के भाईचारे और सामाजिक जो हमारी गंगा जमनी तहजीब में जिनका भरोसा है, उन सारी पार्टियों ने एक दिन होकर के जब बॉम्बे में ये फैसला किया तो उस दिन हमको लगा कि कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी। हेडलाइन चुराने का एक तरीका ये होगा कि आप 18 से 23 तक जो है पार्लियामेंट की अनाउंस कर देंगे, हमको पार्लियामेंट बुलाइए। तो दूसरे दिन जब बॉम्बे का जब विपक्षी पार्टियों का जब एकजुट होकर के जब उन्होंने स्लोगन दिया, तो उस स्लोगन की हेडलाइन को चुराने के लिए उन्होंने 18 से 25 23 तक का जो है वो पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एक चुनाव होगा, एक देश होगा, एक कानून होगा। एक देश एक कानून की बात तो इन्होंने जीएसटी पे भी लागू की थी। जीएसटी में राजस्थान में जब मैं स्वयं मिनिस्टर था तब जीएसटी की मीटिंग्स को मैंने अटेंड किया है। माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने ये जो है मुझे उन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था। यही माननीय मोदी जी हुआ करते थे, इनके सौरभ पटेल जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आया करते थे और वो यूँ बड़े जोश के साथ कहते थे हमारा जो है वो ऑटोनॉमी हमारी खतरे में पड़ जाएगी हमारे स्टेट की। तो मैंने उनको कहा था आप स्टेट की ऑटोनॉमी की बात कर रहे हो लेकिन ये देश के हित में है। सबसे ज़्यादा विरोध जीएसटी का इन्होंने किया था। एक कानून की बात करने वाले क्या भूल गए इस बात को, जीएसटी लागू करने के बाद में उसमें करीब 400-500 इन्होंने अमेंडमेंट कर दिए। आपको बता दें कि जब सरकार कांग्रेस की इससे पहले थी तो इन्होंने उद्योग मंत्री रहे, उद्योग मंत्रालय का जिम्मेदारी संभाली और आबकारी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। सर, 2 महीने पहले सिकर कलेक्ट्रेट में सभागार में आपकी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अनबन हो जाती है, कुछ विवाद देखने को मिलता है, क्या विवाद था वो? आप उनको अनबन मत मानिए, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिन जो कई बार जो है मैं उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाया, वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाया। मुद्दा सिर्फ इतना सा था, नवलगढ़ रोड पे जल निकासी जो है बरसात की उसके निकासी का मामला है और वो स्वयं चूँकि वहीं रहते हैं उनको भी तकलीफ है, मैं चूँकि सीकर का जनप्रतिनिधि हूँ इसलिए मुझे भी तकलीफ है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सीकर की जो एक भौगोलिक जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि सारा पानी पश्चिम में जाता है, बरसात का जितना पानी होता है सारा पश्चिम में जाता है और जहाँ से पानी लेवल से नहीं जाता है वहाँ हमको उसको पंप आउट करना पड़ता है। नवलगढ़ रोड पर हमने सम्प पेल लगा रखा है, 90 HP की एक 2 मोटर लगा रखी है 45 HP की। जब वहाँ पानी भरता है तो उस पानी को हमको पंप आउट करके और निकालना पड़ता है वहाँ से, तो वहाँ से शिव कॉलोनी आता है पानी, शिव कॉलोनी से फिर जो है नानी की भीड़ में पानी आता है। तो हमने एक स्कीम तैयार की कि पानी को हमको डाइवर्ट करना पड़ेगा, सारा पानी एक साइड में नहीं जा करके। वो कह रहे थे कि आप अधिकारियों की साइड ले रहे हैं, नहीं देखिए अधिकारी भी अपने समाज के लोग हैं, उनकी अपनी एक मान प्रतिष्ठा है, वो इस बात को जो है वो क्योंकि उनकी जानकारी में नहीं है कि जिन अधिकारियों पे वो ये कह रहे हैं कि मैं अधिकारियों का पक्ष ले रहा हूँ उन अधिकारियों को। देखिए मैं एक छोटी सी बात आपसे करूँ कि नवलगढ़ रोड की जो समस्या है पानी निकासी की, मैं अपने ऑफिसर्स को जो है दिन में लेकर के जाता हूँ तो काम मेडिसिन होती है। काम मेडिसिन किस तरह की, 100 लोग इकट्ठे हो गए, सर यहाँ से ऐसा नहीं हुआ, वहाँ से वैसा नहीं हुआ, वहाँ से नहीं वैसा नहीं हुआ। टेक्निकली जो चीज़ मेरा इंजीनियर जानता है मैं इसको नहीं जानता और मैं इसमें दखल भी नहीं करता। मेरा इंजीनियर इस बात को बखूबी जानता है कि हमने जो स्कीम बनाई है और MNIT से हमने उसको अप्रूव किया है तो दिन में नहीं ले जा करके उनको रात को 12 बजे मैं वहाँ लेके जाता हूँ जब कोई नहीं रहो, तब तसल्ली से हम उसको लेवल्स को देख सकते हैं, तसल्ली से हम अधिकारियों के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इसमें इस समस्या का क्या समाधान होगा। तो करीब करीब हमने समस्या का पूरा समाधान कर लिया था। लेट क्यों हुए, मुद्दा ये है लेट क्यों हुए, लेट होने का कारण यह था कि वहीं पे कुछ निवास करने वाले जो भाजपा के जो मेरे मित्र हैं उन्होंने इसको एक इशू बना दिया। भाई मेरे से पहले तो भाजपा थी ना 5 साल MLA और पानी अचानक नहीं भर रहा है, पानी तब भी भर रहा था पानी, उस पानी की निकासी के लिए उन्होंने कोई स्कीम नहीं बनाई। और अब चूंकि नवलगढ़ रोड पे और पिपराली रोड पे कोचिंग सेंटर इतने बन गए कि एक एक जो है 100-100 गज के प्लॉट पे 100-100 लड़के रह रहे हैं, 50-50 लड़के रह रहे हैं, 20-20 लड़के रह रहे हैं, तो सारा पानी उनके घरों का और उनका सारा पानी जो है वो सारा सड़क पे आता है। तो हमने 13 करोड़ रुपये सेंक्शन कराकर स्कीम बनाई, उस स्कीम का पानी हमने जो है जगमालपुरा में भेजना है। मुद्दा ये है जगमालपुरा में कौन सा पानी जाएगा,
जगमालपुरा में बरसात के पानी के अलावा कोई पानी नहीं जाएगा, ये मेरा कमिटमेंट है सर। क्योंकि वहाँ की जो जनता है, मैं नहीं चाहता कि उनके वहाँ गंदा पानी जाए और अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाए। उस पानी को सुरक्षित पानी भेजने के लिए, जो केवल बरसात का पानी होगा उसके लिए ज़रूरी है कि उस रोड पे जो सीवरेज के जो कनेक्शन है हम उनको बराबर पूरा करें। तो हमने न केवल 13,000 करोड़ की नवल बरसात के पानी की निकासी की बनाई, योजना बनाई, वहाँ पे हमने सीवरेज के जो है लाइन भी सेंक्शन करवा ली, तो बराबर सीवरेज का काम भी चल रहा है और बराबर वो काम भी चल रहा है। लेकिन बीच में जब उन्होंने एजिटेशन करके जगमालपुरा के लोगों को तो प्रोव कर दिया कि आपके यहाँ पे गंदा पानी आएगा, उन्होंने जब काम बंद कराया तो धरने पे बैठ गए नवलगढ़ रोड पर कि काम चालू करो। और उनके इस झगड़े फसाद ने जो उन्होंने बीजेपी ने जो एक अपना एक एजेंडा बनाया कि भाई काम नहीं हो, उसको लेकर के जब उन्होंने ये बनाया उस काम में हमको 5-6 महीने लेट हो गए। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किसके चेहरे पर विधानसभा चुनाव होंगे? सचिन पायलट, अशोक गहलोत या किसके चेहरे? देखिए कांग्रेस ने कभी भी इस तरह का कोई आताम वो नहीं बनाया है कि कौन क्या करेगा। कांग्रेस जो है चुनाव लड़ती है अपने एजेंडे पे, कांग्रेस चुनाव लड़ती है अपनी विचारधारा से, कांग्रेस चुनाव लड़ती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में। उस नेतृत्व में एक सभी का समावेशी है विचार है, इसमें सभी हैं, पायलट साहब भी हैं, गहलोत साहब भी हैं, खड़गे साहब भी हैं, सोनिया जी भी हैं, राहुल जी हैं और बाकी सारे जो हमारे राजस्थान के जो बड़े जो कद्दावर नेता हैं वो सारे नेता हैं। सर हम लक्ष्मणगढ़ गए थे, वहाँ की जनता का कहना था कि जितने विकास कहीं नहीं हुए इस कार्यकाल में डोटासा जी ने किए हैं और वो मुख्यमंत्री के दावेदार लगते हैं हमें और राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये इस बारे में मेरा कुछ नहीं कहना है, ये फैसला जो है वो हाईकमान करती है और जनता का अपना विचार है। मेरे क्षेत्र की जनता क्या कहती है, उनके क्षेत्र की जनता क्या कहती है, जनता की अपनी भावनाएं हैं, तो जनता की भावनाओं को आप भी पहुँचाइए, हम भी पहुँचाएंगे। आपका क्या मानना है सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिर मौका मिलना चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए। और वर्तमान में गहलोत साहब जो है वो जिस तरह से एक समावेशी विचार लेकर के सबको साथ लेकर के और जिस तरह से एक वेलफेयर स्टेट का जो एक जो एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, तो ये फैसला गहलोत साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, डोटासा साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, पायलट साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। ये फैसला जब सारे विधायक जीत जाते हैं तो हाईकमान विधायकों की राय लेकर के, खुले तौर पर कोई कहता नहीं है कि देखिए ये खुले तौर की बात तो केवल आप लोग करते हैं, क्यों नहीं कहेंगे खुले तौर पर? खुले तौर पर कहने का जो है अब प्रजातंत्र है कांग्रेस में और कांग्रेस में डेमोक्रेसी के साथ साथ किसी का दम घोटने वाली स्थितियां नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आपको ये हक देती है कि आप अपने विचार रखें, लेकिन ये फैसला आज से नहीं बरसों से ये फैसला होता रहा है। मैंने भी 7 चुनाव लड़ लिए, मैं भी हमेशा ये देखता हूँ कि ये फैसला जब जनता जीत करके लोगों को भेजती है तो ये फैसला माननीय हाईकमान जो है वो ये फैसला करती है कि भाई किस तरह से हमको अपनी जो स्कीम जो है उनको लॉन्च करना है। 18 के विधानसभा में बसपा के 6 विधायक जीत के आए थे राजस्थान में, 6 के 6 कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, कईयों को मंत्री बना दिया गया, उसमें एक नाम था राजेंद्र गोड़ा। उन्होंने लाल डायरी को लेकर विधानसभा में हंगामा किया था, लाल डायरी को लेकर कहा था कि अगर इसके राज बाहर आ गए महेश जोशी, शांति धारीवाल, अशोक गहलोत के काले छिट्टे बाहर आ जाएंगे, काले राज है इसमें। आपका क्या मानना है राजेंद्र गोड़ा की बात पर? कितनी लाल डायरियाँ आपने उस दिन जो हाउस का जो सीन था देखा आपने, इंडिविजुअल एक एक जो विधायक है बीजेपी का उनके सबके हाथ में एक लाल डायरी है और एक लाल डायरी गुड्डा जी के हाथ में है। इतनी लाल डायरियाँ तो मैंने कभी देखी नहीं। लाल डायरी का जो ये एजेंडा जो इन्होंने चलाया है ये सोची समझी जी उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। क्या आक्षेप लगाए वो गहलोत सरकार पर, क्या आरोप लगाए? 5 साल में गहलोत सरकार पे किसी तरह का आरोप नहीं लगा सके। और मुझे तो तद्दुप जब हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी सम जब यहाँ पधारे तो वो लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, जैसे लाल डायरी इतनी बड़ी हो गई, लाल डायरी का जिक्र बंद करिए आप जिक्र करिए अडानी का। अभी 2 दिन पहले गार्डियन अखबार में और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो अमेरिका का बहुत रेपुटेड अखबार जो है, OCCRP में जो अभी पूरे ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करने वाली जो एक बहुत बड़ी हमारी जो एक संस्था है, जो प्रेस है जिसमें पूरी वर्ल्ड के जो है मीडिया रिपोर्टर्स उसमें शामिल हैं, उनकी रिपोर्ट आई है कि 2014 में ईडी को जो है ये नोटिस दिया गया था कि आप जो है इसकी सेबी
को ये निर्देश दिए गए थे कि आप इसकी जांच करिए। सेबी ने जांच नहीं की, फाइल बंद कर दी गई और आज वही सेबी के जो है डायरेक्टर यूके सिन्हा साहब जो है आज अडानी जी के उसमें डायरेक्टर बने बैठे हुए हैं। सर ईडी ने मोदी जी को देश को ये बताना चाहिए था कि अडानी का जो मामला जो है उसकी ये सच्चाई है और मैं इसकी जांच कराऊंगा। मोदी जी को यहाँ पे खड़े होकर ये कहना चाहिए था कि आज मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। इसकी बात तो लाल डायरी इतना बड़ा मुद्दा हो गया, लड़ाई होने वाली है, लाल डायरी राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी आपको शर्म आनी चाहिए, आप लाल डायरी के मुद्दे की बात कर रहे हो, आपको मणिपुर में बात करनी चाहिए। देश जानना चाहता है कि अडानी के इसमें जो पैसे लग रहे हैं एक पैसे किसके हैं, 20,000 करोड़ रुपया जो लगा ये किसका पैसा है। इस पर तो अडानी जी माननीय प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे। एक लाल डायरी जिसको गुड्डा जी ने दिखा दिया, प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं लाल डायरी, अरे भाई कौन सी लाल डायरी। सर आपसे अंतिम सवाल रहेगा कि परसों जल जीवन मिशन पर ईडी ने छापेमारी की थी, वहाँ पे जो महेश जोशी है उनके निकट के कुछ घरों पर छापेमारी की गई और कई करोड़ रुपए बरामद किए गए, घोटाले की बात सामने आई है, क्या मानना सर आप? देखिए जिस की आप बात कर रहे हैं कि उन पर छापे मारे गए, उससे पहले राजस्थान की जो एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उन्होंने छापे मारे हैं। उन्होंने छापे मार करके वो जो एक्सचेंज जो है पीएचडी का उसको उन्होंने अरेस्ट किया है। जब उनको पता चला कि भाई उस पर ये छापे मारे हैं तो उन्होंने जो है और उसमें आकर के सघन रूप से जिस तरह से कोई कार्रवाई की है, तो क्योंकि उनके पास में बड़ा ज़्यादा सेटअप है, कई स्टेट्स में कई जगह एक साथ उन्होंने किया है। सर आप जीरो टॉलरेंस है माननीय मुख्यमंत्री मोदी की, मैं स्वयं उनकी मिनिस्ट्री में जो है कैबिनेट में मिनिस्टर रहा हूँ, मैं जीरो टॉलरेंस है माननीय मुख्यमंत्री मोदी की। और गुनाहगार है उसको सजा दो ना। मुख्यमंत्री मोदी ने स्वयं ये कहा है ईडी को हथियार मत बनाइए, ईडी के माध्यम से यदि भ्रष्टाचारियों को आप उजागर करते हैं तो इसका वेलकम करते हैं राजस्थान के सारे मंत्री, सारे एमएलए, राजस्थान की जनता भी, लेकिन ईडी को आप जब हथियार के रूप में काम में लेते हैं तब क्वेश्चन मार्क लगता है। सर यहाँ पे एक नारा अभी काफ़ी प्रचलित हो रहा है कि रिट का पेपर कहाँ मिलेगा नाती तेरे बाड़े में, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये सब चीज़ें ऐसी है जो लोग अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ये है कि क्या माननीय गहलोत साहब ने इन 5 वर्षों में जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया? महात्मा गांधी की जो सोच है कि समाज में जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस आंसू हम कैसे पहुँचें, उसके आंसू पहुँचने का तरीका एक ही है कि हम उसको सामाजिक सुरक्षा का वातावरण दें। सर अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जल्दी है, आप वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी सालों से राजनीति कर रहे हैं, क्या आप विधायक का चुनाव लड़ोगे आपकी बार? बिल्कुल, यदि पार्टी मौका देगी तो, पार्टी अवसर देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से। सीकर की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो सर आप? सीकर की जनता को मैसेज यही है कि आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप यदि काम किए और पार्टी यदि मौका दे तो मेरे साथ जो है आशीर्वाद बनाए रखें, वरना वैसे तो जनता का आशीर्वाद है ही है, मैं स्वयं जो है इस बात के लिए जनता का ऋणी हूँ कि 1990 से लेकर के आज तक जितना मान सम्मान प्यार मुझे स्नेह दिया है, मैं जनता का ऋणी हूँ, हर हाल ऋणी हूँ, पार्टी मौका दे ना दे हर हाल जनता का ऋणी हूँ और मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हर वक्त जिस भी रूप में रहूँ, विधायक के रूप में रहूँ, एक आम आदमी के रूप में रहूँ, मैंने विधायक बन के और मंत्री बन के भी कभी यह महसूस नहीं किया कि मैं विधायक और मंत्री हूँ, एक आम आदमी के रूप में मैंने जो है पब्लिक के साथ कनेक्ट किया है और यहाँ मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा परिवार है। सीकर विधानसभा एक बड़ा परिवार है मेरा, जहाँ के हर परिवार में मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं, मैं उनके दुख सुख का भागीदार हूँ, मैं एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि उनका बेटा और भाई बन करके उनके बीच में हूँ। मेरी पहचान राजू भाई साहब के रूप में है, राजू के रूप में है, छोटे लोग जो है राजू भाई साहब कहते हैं और बड़े लोग मुझे राजू कहते हैं, मेरी पहचान उनके बीच में विधायक के रूप में नहीं है बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में, उनका भाई और बेटा हूँ और यही मेरा परिचय है। आश्वस्त है कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की बन रही है 100%। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं, जनता निर्णय कर लेगी, क्या फैसला करेगी वो साफ हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम नेताजी का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए हर विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक क्या सोचती है, काम किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, जनता की राय आप तक पहुँचाते हैं। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़ सीकर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।